क्या हुआ आपके साथ? मेरी कैप रास्ते में गिर गई है। वो आ रहे कैप लेके। तो गाइस, तो हम लोग आए हैं इस वक्त मंगोपीर में। वार का दिन है, आज तारीख क्या है मेरे ख्याल 16 फरवरी है। और हम लोग यहाँ आउटिंग के लिए आए हुए हैं आज मंगोपीर। और ये थोड़ा एरिया का व्यू ले लें। और ये हमारे रॉबर्ट भाई खड़े हैं, आपने इनको अक्सर आइटम ब्लॉग की वीडियोस में देखा होगा, सीआईडी की वीडियोस में। अब हमने अपना पैशन चेंज करके ट्रैवलिंग कर लिया है। रॉबर्ट से पूछते हैं, रॉबर्ट आप बताएं कि जरा आप ये मंगोपीर पहले आए हैं कभी? मैं तो यहाँ मंगोपीर यहाँ पे तकरीबन कोई 8-10 मरतबा आ चुका हूँ, क्योंकि ये रास्ता पड़ता है हमारा हाफ डैम पे जाने का, तो अक्सर यहाँ पे हम रुक जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग अभी जा रहे हैं वापस अंदर की तरफ मार्केट, जहाँ पे हम लोगों ने लंच करना है। यहाँ पे मछली बहुत ज़बरदस्त होती है। और सबसे पहले हम लोग इधर आते हैं अपने एक दोस्त के पास, जिनके पास हमने बाइक अपनी खड़ी की है, ताकि बाइक का आवाज़ दे। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है। और ये साले भाई हैं और ये 40 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी हैं, इन्होंने हमारी बाइक पार्क दोस्त हैं। और अभी कभी भी आप आए यहाँ पे, तो आप बाइक वगैरह यहाँ पे खड़ी करें, यहाँ पे फूल वगैरह खरीदें दरगाह वगैरह पे जाने के लिए, देख लेंगे आप इनको देखेंगे। ये इस मार्केट की बात कर रहे थे हम लोग, कि दरबार के यहाँ नीचे मार्केट है ये। बहुत अच्छे खिलौने ये देखें, यहाँ पे भी खिलौने मौजूद हैं। दोस्त, ये कितने कितने का है? भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक। ये मोहम्मद आफाक भाई की दुकान है यहाँ पे, ये बहुत पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये 50-50 रुपए में ही आपको बड़े ज़बरदस्त खिलौने मिल जाते हैं यहाँ पे, आप इन खिलौनों को ले सकते हैं बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। एक चख सकता हूँ यहाँ पे पकौड़ा? मार्क विंस बन के बताए ना, सही है टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। चलो दोस्तों, आप यहाँ पर आया करें, पकौड़े खाएं, बहुत ज़बरदस्त जगह है। मोहम्मद सिद्दीक भाई की दुकान है, मोहम्मद सिद्दीक भाई की जगह है ये। और ये बहुत अच्छा, देखें ताज़े ताज़े पकौड़े इसमें बन रहे हैं, ये मछली के पकौड़े हैं। तो अभी हम लोग होटल में बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, जल्दी से बस पकोड़े आ जाएं, बहुत भूख लग रही है यार। इस बार 1/2 किलो मछली का ऑर्डर दिया, कम पड़ेगी तो और मंगवा लेंगे। 150 रुपये पाव है यहाँ पर मछली, कुन मछली, सुरमई कुन। तो मंगोपीर में ये यहाँ पर अच्छी मछली मिलती है आपको खाने के लिए, आप लाजमी आए खाने के लिए, बहुत मज़ा आया। पानी आ गया है, जल्दी आए यार, भूख बहुत लग रही है। और हम यहाँ पे आए, हमें तो लोग अजीब अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कभी कराची से कोई आया नहीं है, अंदरूनी कराची से, डाउनटाउन से। हालांकि ये कराची का ही लगा, अरे अरे चलता है। कराची में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पैंट शर्ट वाले लोगों को अजीब नज़रों से देखा जाता है। अरे पकौड़े आ चुके हैं भाई, मछली, मच्छी पकौड़ा। कौन सी मछली है रईस भाई? ये कौन मछली है? सुरमई मछली। कौन? देखें इनके मुंह में पानी आ रहा है, मतलब सिर के मुंह में। बस रोटी का इंतज़ार है, और रोटी भी आ गई है, का इंतज़ार है, रोटी का इंतज़ार है, और रोटी गर्मा गर्म, रोटी गर्मा गर्म। मेरा ख्याल है कि अब इसको थोड़ा सा मछली को खाया जाए। अब भाई अभी हम लोग यहाँ पे मंगोपीर से थोड़ा सा आगे आए हैं, इधर एक दुकान पे रुके हम लोग। ये हमारे रॉबर्ट रईस भाई के दोस्त की दुकान है, दादू सिंह सोडू, लेकिन वो तो गांव गए हुए हैं, दूसरे भाई खड़े हुए हैं। भाई आपका नाम क्या है? खेल सिंह। खेल सिंह नाम बता रहे हैं अपना। आप दादू सिंह सोडू से तो मुलाकात नहीं हो सकी, हमारे बड़े अच्छे देरीना दोस्त हैं, वो ढाकलो थरपारकर में रहते हैं। तो अभी ये उनके दूसरे दोस्त हैं जो दुकान को चला रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में। जब वो यहाँ पर आएंगे तो ये छुट्टी पर चले जाएंगे, ये 2-3 महीने की छुट्टी पर इसी तरह गुजारते हैं।
तो यहाँ पे हमारा तीसरा चौथा चक्कर है। अभी हम रास्ते से अभी मंगोपीर से होते हुए आ रहे हैं और आगे की तरफ निकल रहे हैं नॉर्दर्न बाईपास पे, वहाँ से कोयटा का रास्ता भी जाता है, वहाँ से हैप डैम का भी रास्ता जाता है, वहाँ से हैप चौकी को भी रास्ता जाता है। फ्रंट का व्यू ये है, सामने से हाईवे गुजर रहे हैं और ये वाला रोड जा रहा है नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। हम लोग आए अभी यहाँ से मंगोपीर की तरफ से, जाना है इधर। यार अभी हम लोग हैं नॉर्दर्न बाईपास पे फिलिंग स्टेशन पे, पेट्रोल डलवाया हमने भी, बालों का तो बेड़ा गर्क तकरीबन हो चुका है। मट्टी आएंगे तो आपकी कोई भी जेल आपका काम नहीं कर सकती यार। ये फिलिंग स्टेशन पे तकरीबन बहुत सन्नाटा है, खाली है। ये हाईवे का है फिलिंग स्टेशन, इसमें नॉर्दर्न बाईपास है यार। वैसे ज़बरदस्त जगह है, एक मेरी सेल्फी थी यहाँ पे ना, मैंने बनाई थी इसी जगह पे, इस रोड पे, मैं वो भी लगाऊंगा अभी। यार रईस भाई ये जगह देखकर तो मुझे एक तस्वीर याद आ रही है, मैं उसको इस वीडियो में लाजमी एम्बेड करूंगा। तकरीबन हमारी 3 से 4 साल पुरानी वो तस्वीर होगी यहाँ की, और आज हम उसी जगह पे आए हैं। हम लोग हब नहर पे कब आए थे भला लास्ट टाइम? यार ये बहुत प्यारा व्यू है सामने का। एसीपी प्रद्युमन, ये दूसरे भाई लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत एंजॉय है। हाँ रईस भाई कूद जाओ बीच में यार, रईस भाई बीच में कूद जाओ। ए जोश आ गया, उतरते थोड़ी है साबुन लगा लेते। अपने बच्चों को भी लाए। ये देखिए लोग यहाँ पे पानी पीने का भी भर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। क्या संगम है यहाँ पे नहाने और खाने का। अब आओ आप मेरी भी थोड़ी सी वीडियो बना लो। ये देखें हमारे सैफ भाई और मुदस्सर। हमारा सीआईडी वाला नाम लो यार। ओ आपका रोबोट लिया नहीं, वो मनिया सुन से अलग होता था यार। और यहाँ पे हम नहर पे नहा रहे हैं, देख लो। पिछली बार अपन ना वो करते थे बोतल भर के ना, हड्डियाँ तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में। सीधी तरह पैसा दे वरना चाबी वाला ताला नहीं सील वाला ताला लगाओ। आपका कोई फेवरेट डायलॉग? जिसको तू धंधा बोलता है ना ये क्राइम है, बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल करता है। बंद क्या कर ले, धंधा बंद कर ले, कुछ और बंद कर। पूरा एब्रीविएशन पूरा दिया करो उस चीज का। नहीं सकोगे हमारी भाषा से तो बंद थी। और ये रॉबर्ट एससीबी